हेलो जी, सत श्री अकाल। ते आपां इहदी वीडियो करदे हां जी शुरू। ते जिन्हां ने अपना यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर लो, ते बैल दा बटन प्रेस ताकि साडियां आउण वालियां वीडियो थोड़े तक पहुँच सकन। ते करमा पम्मी अपना यूट्यूब चैनल, ते तुहानूं पता ही है जी कई दिनों तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ते अपने नाल धुप्प है जिहड़ी ना बिल्कुल भी नहीं निकलदी पई, है ना। ते कपड़े दो दो तीन तीन दिनों दे ना इदां ही पए रहिंदे, ना सुकदे आ ना करदे आ, मशीन 'च धोते हुए हुंदे आ फिर भी नहीं सुकदे। ते हुण ना धुंद तो खर घट है, पर शीत लहर है ना जिहड़ी इन्नी चल रही है, ठंडी शीत लहर पूरी। सूरज अज थोड़ा जा निकलिया, तो हवा है ना जिहड़ी बहुत ठंडी चल रही है, तो कबूतर भी आसमान दे विच ना बहुत उडारियां लगा रहे हैं। तो थोड़ा मैं ना बैक कैमरा करके फटाफट दिखाउणी, इन्ने टप जाएंगे तो काफ़ी। तो सूरज भी है ना जिहड़ा थोड़ा थोड़ा मध्यम जिहा सूरज अज हजे निकलिया होया, तो जिहड़ी अज हवा वैसे घट है, सूरज भी नहीं निकल रहा ना। बदल वाई जी हुई पी, देखो बदल थोड़े थोड़े बदल है। हाँ जी, आप आए थे किचन च, तो किचन चाह मैं बना के पी ली है, तो हजे सवेरे सवेरे ना रसोई ना जी मेरी पूरी फैली हुई है, हजे काम करना है। तो इधर करमा जी पता नहीं अज की बना रहे हैं, तो की नहीं बना रहे मैनू नहीं पता। इधर दिखायो की बना रहे हो, अद्धे तो नालों ज़्यादातर रसोई इन्ह ने फैलाई हुई है। और की है भांडा ठिकर किवें सीते, पता नहीं की दवाइया फवाइया जी बनाई जाते ने। अजकल डॉक्टर खुद ही बने हुए ने घरे, देसी डॉक्टर भी किसी ने कोई नुक्से पुछने हो तो सानू कमेंट करके जरूर पुछ लियो। तुम यार तेरा कैमरा जो भी मैं कोई एहो जिहा करदा तू रसोई च ले आई। मैनू तां शक लगदा भांडे वाले बर्तना कोले खड़े, एक दो भांडे पए सी ओह वी मांज दिंदे। मैं दस देना चाहना आपां हांजी खुद ही डॉक्टर बने हुए ने, ते मैं ना हुणे इन्ने बर्तन मांज के गई सी रसोई चो, इन्ने बर्तन फिर खंडा रखे। डॉक्टर की बने हुए हैं, डॉक्टर बनना पैंदा है। अच्छा जी, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां दा जिहड़ा ना साइड इफेक्ट ज्यादा हुंदा है। ते वैसे तो बई जी सारे इंडिया दा हर बंदा ही डॉक्टर है, ए ता है, क्योंकि आपां किसे नूं भी पुछांगे जदों हाल को चल भी पुछण आउंदा ना तो यह चीज जरूर कहिंदा है, वो आपदी डॉक्टरी जू चला जांदा है। बीमार बंदे कोल जे कोई भी बंदा हाल चाल पुछण आऊगा तो आपदी डॉक्टरी जरूर चला जांदा, उत्थे कहिंदा है तू ए चीज लिया कर यार, इहदे नाल सही हो जाएगा। ए ता है यार, है ना। हुण असीं कई वारी थल्ले जिवें कोई काम धंधा करदे आं, बुढ़िया इनफेक्शन होया खांसी च, आंटी जी आप ना वो अदरक का रस पी लो, चाय बना के अदरक के पी लो, अजवैन लगा के पी लो, हर एक नुक्से जानदा बंदा। ते इहदे खैर फायदे तो बहुत हैगे है। अच्छा, जे नुक्सां नूं अजमाया जावे एक गिलास ड्रिंक। थोनू भी दस देना चाहना भी अजकल दी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है, तकरीबन 30 साल तो उपर वाली पीढ़ी जिहड़ी ना फैटी लीवर दा शिकार हुंदी जा रही है। आपां जदों भी अल्ट्रा कोई प्रॉब्लम पेट च आउंदी है तां अल्ट्रासाउंड कराउंदे आ, तकरीबन ओह फैटी लीवर तां दस ही दिंदे आ। ओह पानी वाली पाइप दे विच डिग्गी पई है, बोझ ओह कड्डो पहलां। फैटी लीवर दा सब तों कारण जिहड़ा ना ओह वड्डा कारण आही है कि आपां खाण पीण सही नहीं हैगा अपना, आपां तलियां होईयां चीजां ज्यादा खाने आ, जंक फूड ज्यादा खाने आ, फास्ट फूड ज्यादा खाने आ, दारू भी इहदा शिकार करदी है। ते वैसे इन्हां चीजां तों आपां टालिया जावे तां वधिया गल है, पर कित्थे टलिया जांदा है हुण यार, किते फंक्शन च वग गए या किथे है, इसे करके आपां मसाले दारूआं ते नाल नाल आपां ना जे इहो जे ड्रिंक वी आपां हफ्ता दस दिन या नहीं पी लिया करिए विचों विचों। ड्रिंक जी इह देखो गिलास वी ना इन्हां ने भी ओही रख्या होया है कि मैनूं इह ना जिहड़ी फीलिंग जी ड्रिंक वाली आवे, इह देख लो। ते ओह चीज पी लिया करिए बणा के ना, तां इह हुण दसण वाले ने तां जिहड़े इह दस्सिया वी तुसीं हफ्ता इह पी लो, तुहाडा फैटी लिवर बिलकुल ठीक हो जाऊगा। ते बाई जी आपां हुण फैटी लिवर वास्ते जिहड़ी ड्रिंक बना रहे हां, सब तों पहलां है घरेलू चीजां ने तिन चार अपनी रसोई च मिल जांदियां इह,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗਲਾਸ ਚ यानी एक गिलास आपां पानी पा लेना है विच पा ली लसन कुटी हुई एक गिलास पा लिया पानी उहदी च आपां अद्धा चमचा शहद नींबू शहद ला लेना है अद्धा चमचा लो जी अपने का पूरा चमचा हो गया चल कोई गल नहीं ऐ च पा देना भाई गलास च ते अद्धा नींबू आपां बीज जे कढ के निचोड़ देना है ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾ ਘਟ ਬਸ ਦਾਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਸਣ ਹਲਦੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸਾ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਓਕੇ